नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, स्वागत है आपका YouTube चैनल हंगर स्टडीज में। आज का हमारा टॉपिक है समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2020। सबसे पहले आज आप बात करें बिम्स्टेक समिट के ऊपर में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यह एक रीजनल मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके मेंबर्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। हेडक्वार्टर्स का बांग्लादेश ढाका में है। फॉर्म 1997 में बन गया था। 2020 का पांचवा समिट श्रीलंका में सितंबर में होगा और बिम्स्टेक समिट हर चार साल में एक बार होता है। और लास्ट समिट नेपाल में हुआ था 2018 में, जो उसका फोर्थ समिट था। और फर्स्ट बिम्स्टेक समिट 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में हुआ था। हाल ही में बिम्स्टेक ग्रुप बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप उभर कर आ रहा है। इस यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशन क्राइम, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसमें चर्चा होती है। सबसे पहले हम बात करें एनर्जी के क्षेत्र में, तो देखें हाल ही में एक मीटिंग हुई थी बांग्लादेश में, उसमें यह चर्चा हुई थी कि 3000 किलोमीटर पावर ग्रिड तैयार करके हम तैयार करेंगे इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड में। और भी प्रोजेक्ट हैं जैसे कि कैलेडन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो मतलब इसमें भारत म्यांमार को एक पोर्ट तैयार करके देगा। पोर्ट का नाम है सितुए पोर्ट। और उसके बाद और मतलब प्रोजेक्ट है आसियान ट्राइलेटरल हाईवे, जो मतलब कनेक्ट करेगा भारत एंड थाईलैंड थ्रू म्यांमार। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको एक्सटेंड करने की बात भी हो रही है, जो वियतनाम तक जाएगा रोड रास्ता, रोडवेज रास्ता, रोड के थ्रू भारत म्यांमार, भारत थाईलैंड और म्यांमार को जोड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं G20। ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंटल एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। इसके मेंबर हैं इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, USA, इंडोनेशिया, UK, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, जर्मनी, जापान, मैक्सिको, कनाडा और यूरोपियन यूनियन। और G20 समिट मतलब फर्स्ट G20 समिट वाशिंगटन DC USA 2008 में हुआ था। 2019 का जो समिट हुआ था 14वां ओसाका जापान में हुआ था। और 2020 में 15वां समिट सऊदी अरेबिया में हुआ था रियाद में। और 16th समिट इटली 2021 में होगा। और 17th समिट भारत 2022 में होगा। जो 2022 में G20 समिट भारत में होगा, भारत सरकार इसके लिए स्पेशल बिल्डिंग तैयार कर रही है। उसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, जो न्यू दिल्ली में है। और एक और बात हम आपको बता दें, स्पेन एकमात्र ऐसा देश है G20 में जो परमानेंट गेस्ट इन्वाइट बना दिया गया है। वो हर एक समिट में भाग लेता है और स्पेन G20 का पार्ट नहीं है। और COVID-19 पर फोकस करने के लिए हाल ही में वर्चुअल G20 लीडर समिट हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। शुरुआत में इस ग्रुप को फाइनेंशियल इशू डिस्कशन करने के लिए बनाया गया था। अब इसके ऊपर मतलब क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर में भी डिस्कस होती रहती है। उसके बाद हम बात करें SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फाउंडेड 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल। इसका 19वां समिट SAARC मतलब इस्लामाबाद में हो रहा था, जो फेल हो गया था। वहाँ पे मतलब उरी बेस अटैक भारत में हुआ था उस समय, तो भारत ने जाने से मना कर दिया था पाकिस्तान में, और देशों ने भी सुरक्षा के लिहाज से वहाँ जाने से मना कर दिया था। उसके बाद SAARC समिट हो ही नहीं रहे। इसके मेंबर्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। उसके बाद हम बात करते हैं G7 समिट, ग्रुप ऑफ 7। इसमें 7 मेजर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, यूनाइटेड स्टेट। यह एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट समिट 1975 फ्रांस में हुआ था। और 2020 का 46th समिट मतलब कैंप डेविड यूनाइटेड स्टेट्स में होगा अमेरिका में, हाल एक्सटेंड कर दिया गया है। और 47th समिट यूनाइटेड किंगडम 2021 में होगा। और 2020 में US प्रेसिडेंट रशिया को रिज्वाइन होने का ऑफर दिया है और साथ में इन्वाइट किया है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ कोरिया टू ज्वाइन। रशिया पहले G8 का पार्ट हुआ करता था, फिर रशिया को हटा दिया गया था, उसके बाद ये फिर से G7 हो गया था। G7 में डिस्कस होती है ग्लोबल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 2019 में डिस्कस हुआ था अमेजोन वाइल्ड फायर्स, जो मतलब आग लग रही थी उसके ऊपर हुआ था। अमेजोन जंगलों में मतलब 20% वर्ल्ड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और भी ट्रेड के ऊपर भी बात हुई थी, जो लड़ाई चल रही है ट्रेड के ऊपर उसको खत्म करने की भी डिस्कस हुई थी। और 2019 में फ्रांस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल इनवाइट दिया था G7 में भाग लेने के लिए। उसके बाद हम बात करें ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना। फर्स्ट समिट वाज होस्टेड रशिया इन 2009 और 11th समिट वाज होस्टेड ब्राजील इन 2019 और 2020 12th समिट विल बी हेल्ड रशिया सेंट पीटर्सबर्ग।
जो SCO समिट के साथ होगा। इसका मोटो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और शंघाई पैक्ट इज यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। 15 जून 2001 को इसका मतलब अनाउंसमेंट हुई थी इस ग्रुप की, क्रिएशन ऑफ ग्रुप, हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना। 19th SCO समिट मीटिंग 2019 में किर्गिस्तान में हुई थी, और 2020 में 20वां SCO समिट रशिया में होगा, सेंट पीटर्सबर्ग में। इसके मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान तो 2017 में इससे जुड़े थे। SCO कंट्री आपस में मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं आसियान। आसियान समिट इज अ बाई एनुअल मीटिंग, मतलब बाई एनुअल, दो मतलब साल में दो बार इसकी मीटिंग होती है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज रिलेशन टू इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड सोशल कल्चर डेवलपमेंट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इस्टेब्लिश्ड 8 अगस्त 1967 बैंकॉक। इसके मेंबर है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। फर्स्ट एशियन समिट 1976 में हुआ था इंडोनेशिया में, और 36th एशियन समिट होस्ट वियतनाम इन 26th जून 2020 जो हो गया है ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन हुआ था, और 37th आसियान समिट इसी साल वियतनाम हनोई में होगा नवंबर 2020 में, और इसका थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। और हम आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, चाइना आसियान में फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं। जो आसियान का 36th समिट हुआ उसके ऊपर बहुत सी बातों में डिस्कस हुई। आसियान कोविड-19 रिस्पॉन्स फंड भी उन्होंने इसको बनाने के लिए इस पर बात की, और द साउथ चाइना सी की भी इसके ऊपर बात हुई। चार कंट्रियां हैं जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है चाइना के साथ, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, वियतनाम। टेरिटोरियल क्लेम्स इशू करता है चाइना के ऊपर, और हाल ही में यूएसए ने साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, और साल में ये समिट दो बार होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोप। 2021 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, कोप 26 इज द 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। कोप की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, मतलब जिन्होंने UNFCCC को ज्वाइन किया है वो सारे देश। 1992 में बहुत से देशों ने UNFCCC पर साइन किए थे, और 187 देश इसमें मेंबर हैं। UNFCCC इफेक्टिव हो गया था 21 मार्च 1994 से। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हम बात करें कोप 25 क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होस्ट बाई स्पेन, मैड्रिड, दिसंबर 2019। यह कोप समिट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका कारण है यह समिट पहले ब्राज़ील में होना था, वहाँ पे इलेक्शन हुए, नई सरकार आई, उन्होंने मना कर दिया हम इस समिट को नहीं करा सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है। उसके बाद चिली ने इस समिट को कराने के होस्ट करने के लिए कहा, पर वहाँ भी विद्रोह हुआ, उन्होंने भी मना कर दिया। उसके बाद यह समिट स्पेन में हुआ था, यह समिट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, और इट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ग्लासगो स्कॉटलैंड फ्रॉम 1 to 12 November 2021। यूके गवर्नमेंट के अंडर यह से होगा कॉन्फ्रेंस। और हम आपको बता दें साल में सभी देशों के लीडर इकट्ठा होते हैं, और जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या किया जाए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कोप 25 में 15वीं मीटिंग हुई थी क्वेटा प्रोटोकॉल, CMT15 भी से बोलते हैं, और सेकंड मीटिंग हुई थी पेरिस एग्रीमेंट, CMA2 भी से हम बोलते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त हुआ, तो हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो में आपको लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई ही होगी तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, अब मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।